हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पीसी सी बसेस के बारे में देखेंगे थोड़ा लंबा लेक्चर होगा ठीक है लेकिन हम लोग डिटेल में पीसी सी बसेस के बारे में देखेंगे ओके तो जैसे कि आपको ये जो फ्रंट इमेज आपको दिख रही होगी जिसमें आप लोगों को अलग अलग एक्सपांशन बसेस दिख रहे हो जैसे ये पी बस है ई आई एस बस है ये आई बस है ये यू बस है तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट uh, स्लाइड्स में देखते ओके तो okay. so, सबसे पहले हम लोग uh, बसेस के बारे में जान लेते ठीक है कि बस क्या होती है तो so, पहला स्टेटमेंट पढ़ते द सीपीयू दीपीयू मस्ट टॉक टू मेमोरी एक्सपानशन बोर्ड्स को प्रोसेसर की बोर्ड एंड द लाइक देखिए सीपीयू कम्युनिकेट करता है की बोर्ड से ठीक है और बहुत सारी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनसे कम्युनिकेट करता है तो जो कम्युनिकेशन जो होता है वो वाया मेटल ट्रेसेस के थ्रू होता है जैसे कि आप लोगों ने अगर कोई कीट वगैरह देखे होंगे या फिर मदरबोर्ड देखे होंगे उसमें मेटल ट्रेसेस बनी हुई थी ठीक है लाइंस दिखती है कॉपर लाइंस ठीक है तो वो होती है बसेस ठीक है जिससे आपका जो सीपीयू है वो अदर डिवाइसेस से क्या करता है कम्युनिकेट करता है ओके लेकिन प्रॉब्लम कहा आती है बट प्रॉब्लम वॉज रिगार्डिंग कनेक्शन ऑफ एक्सपानशन बोर्ड टू सीपी जैसे हम लोग अगर कोई एक्सपांशन बोर्ड लगा रहे ओके जैसे कोई वीडियो कार्ड लगा रहे या फिर कोई साउंड कार्ड वगैरह जैसा अगर हम लोग लगा रहे तो उससे कैसे कम्युनिकेट करें तो उस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं हैं बसेस का ओके तो देखते बस इज अ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इट इज एन एग्रीमेंट अबाउट हाउ टू बिल्ड बोर्ड्स दैट कैन वर्क इन अ स्टैंडर्ड पीसी देयर आर देयर आर फोर डिफरेंट स्टैंडर्ड इन पीसी वर्ल्ड तो जो बस है वो जो बस है एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ठीक है तो ऐसे आपको अगर एक्सपानशन स्लॉट्स एक्सपानशन स्लॉट्स के थ्रू अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो उसके फोर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है जैसे आई एस ए बस हो गया ठीक है इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर उसके बाद है ई आई एस ए बस जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर देन पी सी आई बस पीसीआई का फुल फॉर्म है पेरीफेरल इंटरकनेक्ट बस ओके कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ओके देन उसके बाद यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस ओके सो इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है ये चार आई एस एस ए पीसीआई और यूएसबी ओके द फर्स्ट पीसी उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट पीसी बस वॉज कॉल्ड एस वन हंड्रेड और अल्टर बस आई बी एम इंट्रोड्यूस अनादर बस विथ सिक्सटी टू लाइन Uh, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है देर आर फाइव एक्सपॉन्स ऑन पी सी एन एट ऑन एटी एटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी मदर बोर्ड ओके तो इसमें हम लोग जो आई एस एस आई बस जो हम लोग देखने वाले ये जनरली जो है पुराने मदर में यूज होती थी ओके okay? बट अभी के जो लेटेस्ट मदर बोर्ड थे उसमें सभी में पी सी आई और यूएस बी का यूज होता है ओके okay? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग

बस आर कॉल्ड एट बिट स्लॉट्स तो जो हम जो स्लॉट्स यूज करते हैं वो होते हैं बिट स्लॉट्स ओके जो आई ऐसे बस होते हैं ये एट बिट भी होती है और सिक्सटीन बिट भी होती है ठीक है तो जो सिक्सटीन बिट जो होती, हो, होती है मीन्स आप लोग जो है एट बिट में ही आ, बाकी बीट्स का जो स्लॉट है वो ज्वाइन किया जाता है ठीक है बाकी बसेस में ज्वाइन की जाती है जिसके जिसमें आप लोग एट बीट का भी यूज कर सकते हो और सिक्सटीन बीट का भी यूज कर सकते हो ओके द बस वॉज कॉल्ड आई और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस द ए बस कैन रन एट अबाउट टेन मेगा स्पीड तो इसकी जो आ, स्पीड होती है आई की एटी एटी मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड ठीक है जो पुराना ही उसको एटी मदर बोर्ड कहते थे ठीक है उसमें इसकी स्पीड होती है टेन मेगा की ओके उससे ज्यादा नहीं हो सकती ठीक है तो देखिए यह होती है आया से बस इसमें आप लोगों को ये दिख रहे हो कि सिक्सटीन बीट्स के ओके और ये आपका एट बीट वाला है ओके और ये आपका आ, वीडियो कार्ड वगैरह ये कार्ड्स है ठीक है पीसी बोर्ड्स हम लोग जिसको कहते हैं जैसे वीडियो कार्ड हो गया साउंड कार्ड हो गया तो ये ये देखिए आपका सिक्सटीन बीट ओके ये हो गया आपका एट बीट नेक्स्ट हम देखते बस ई आई एस ए बस एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये जो बस है ये असल में एडवांस किया गया आई एस ए बस को ठीक है जिसमें आप लोग थर्टी टू बीट जो डाटा है वो ट्रांसफर कर सकते थे जैसे आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ सकते हो ई आई एस ए बस वास इंट्रोड्यूस फॉर एट जीरो थ्री एट सिक्स कंप्यूटर्स इट हैज़ अ फुल थर्टी टू बिट डेटा पाथ ठीक है मतलब हम लोग उसके हेल्प से थर्टी टू जो बिट डाटा है वो हम लोग ट्रांसफर एट ए टाइम कर सकते थे हैज अ गॉड स्पीड अबाउट ट्वेंटी मेगा तो इसकी स्पीड ट्वेंटी मेगा होती है इसके कुछ की फीचर्स हैं जैसे आई एस ए कम्पेसिबिलिटी आई एस ए कार्ड विल वर्क इन ई एस आई स्लॉट्स मीन्स ई एस आई ई आई एस ए स्लॉट में हम लोग आई एस ए कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते थे ठीक थर्टी टू बीट बस विथ ठीक है मीन्स इसकी बीट जो होती है बस की वो थर्टी टू बीट होती है ठीक है देन बस मास्टरिंग एस एस सपोर्ट बस मास्टरिंग एडप्टर फॉर ग्रेटर सी एन सी तो जो बस मास्टरिंग जो ये होता है इसमें जनरली एक एडाप्टर का यूज होता है ओके जिससे आप लोगों को बहुत सारी बसेस का कॉम्बिनेशन आप लोग उसमें यूज कर सकते हो ठीक है देन है प्लग एंड प्ले प्लग एंड प्ले का एक आपको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ जैसे प्लग एंड प्ले में आपने अगर डायरेक्टली अगर कार्ड लगा दिए तो आप उसको डायरेक्टली यूज उस कर सकते हो उसके लिए कोई सेपरेट एडाप्टर का यूज करना जरूरी नहीं है ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखिए ये होती है ई आई ऐसे बस ठीक है ये इस टाइप की दिखती थी उसके बाद देखते पी सी आई बस बहुत इंपॉर्टेंट बस है ये ठीक है और जनरली अभी हम लोग जो मदर बोर्ड यूज करते हैं जो अभी हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसमें सारा हम लोग पीसीआई बस का ही यूज करते करते ओके okay? तो पीसीआई बस का फुल फॉर्म है पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट ओके इट वॉज डेवलप बाई इंटेल इन 1993 तो 1993 में इसको डेवलप किया गया था द लेटेस्ट कंप्यूटर यूजेज पीसीआई तो देखिए लेटेस्ट कंप्यूटर में हम लोग पीसीआई बस का यूज करते हैं पीसीआई बस इज एटी टू बीज बीट बस ट तो इतनी स्पीड होती है ठीक है थर्टी टू बीट होता है और सिक्सटी फोर बीट भी होते हैं ठीक है थीके? अभी लेटेस्ट में आपके सिलेबस में बीट के बारे में दिया है लेकिन लेटेस्ट में अभी एकदम बीट का भी यूज होता है तो इसके भी फीचर्स uh, है बर्थ मोट पी सी कैन ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इन बर्थ मोट वेयर आफ्टर एन इनिशियल एड्रेस इज प्रोवाइडेड मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ रो तो बस मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं जो डाटा ट्रांसफर है वो एज ए बस मीन्स एक रो में बहुत सारे हम लोग एड्रेस थ्रू उसको क्या कर सकते हैं डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बस मास्टरिंग वो जैसे ई आई एस ए बस में जो बस मास्टरिंग वाला जो फीचर था एडेप्टर वाला ये वही है ओके ये इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है हाई बैंडविड्थ ऑप्शन न्यू वर्जन ऑफ पीसीआई बस कैन सपोर्ट सिक्सटी फोर बीट्स एंड सिक्सटी सिक्स मेगा आर्ट स्पीड्स तो देखिए अभी जो न्यू वर्जन है उसमें सिक्सटी फोर बीट्स का हम लोग डाटा एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं ओके सिक्सटी सिक्स मेगा हर्ट उसकी स्पीड होती है प्लग एंड प्ले सिंपल उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है ओके तो पी सी आई बस के हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ये देखिए ये दिख रहा है आपको साउंड कार्ड देखिए इसमें बहुत सारे साउंड के आपको पोर्ट्स दिख रहे होंगे ये हो गया आपका वीडियो कार्ड जिसमें देखो वीजी है एस डी एम आई पोर्ट है ठीक है तो आपके मदरबोर्ड में ये जो आपको ऐसे स्लॉट्स दिखेंगे ये सारे पी सी आई स्लॉट्स है ठीक है जैसे अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है साउंड कार्ड को तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ पी सी आई को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ जैसे ये ठीक है तो इसमें इसकी कुछ हायर स्पीड होगी जैसे थर्टी टू बीट हो सकता है ठीक है ये थर्टी टू बीट हो सकता है ये सिक्सटी फोर बीट हो सकता है ठीक है तो ये पी सी आई बसेस है नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसबी बस के बारे में ठीक है यूएसबी बस आप सभी लोगों को तो पता ही है यूएसबी बस का हम लोग काफी यूज करते हैं और जनरली आप लोग सारे अभी कंप्यूटर्स हो गए या फिर बहुत सारे डिवाइसेस हो गए हम सारों में यूएसबी बस का यूज करते हैं तो जैसे कि आप लोगों को अगर आपके कंप्यूटर में अगर प्रिंटर कनेक्ट करना है ओके आ, और बहुत सारे डिवाइसेस स्कैनर वगैरह कनेक्ट करना है ठीक है स्पीकर्स वगैरह भी कनेक्ट करना है तो हम लोग इनका यूज करते हैं ओके यूएसबी बसेस का तो यूएस बी इज अ यूनिवर्सल सीरियल बस यूएस बी इज टू यूज एंड कम्पेसिबल विथ वाइड रेंज ऑफ पेरीफेरल्स तो बहुत सारे मीनस पेरीफेल डिवाइस है जैसे प्रिंटर्स मैंने आपको बताया ठीक है और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जैसे अगर हम लोग एक्सटर्नल अगर कैमरा वगैरह भी लगाते हैं तो हम लोग यूएस का यूज़ करते हैं नाउ इंटेल एंड अदर सिक्स लीडिंग कंपनीज है लॉन्च यू एस बी टू पॉइंट जीरो तो जो इंटेल uh, और कुछ कंपनियों ने लॉन्च किए यू एस बी टू पॉइंट जीरो तो यू एस बी टू पॉइंट जीरो यू बी थ्री पॉइंट जीरो सुने हो शायद ये इनकी स्पीड से ठीक है इनके वर्जन से अपडेट किया गया है डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ यू एस बी टू पॉइंट बी होता है उसकी डाटा ट्रांसफर की स्पीड होती है फोर एटी एम बी पी एस ठीक है चार सौ अस्सी एम बी वो पर सेकेंड ट्रांसफर कर सकता है और जो यूएस बी थ्री पॉइंट जीरो है उसकी स्पीड होती है फोर एट जीरो जीरो एम बी पी एस मीन फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एम बी पर सेकेंड वो ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे फर्स्ट फीचर है इसका इजी टू यूज ठीक है आप लोग डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो इसके लिए भी कोई आप लोग को सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ठीक है एक्सपांडेबल होती है यू कैन प्लग एज मेनी एज वन ट्वेंटी सेवन पेरीफेल्स इन टू वन कंप्यूटर यूजिंग यूएसबी मल्टीपल मल्टीपोर्ट हो हब ओके okay? तो अगर आप लोग जैसे अगर आपने देखे हो तो हम लोग एक अगर यूएस बी कनेक्ट करें तो उसमें हम लोग हब का यूज कर सकते हैं मीन्स एक यूएस बी में हम लोग कई सारे usb कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो 127 पेरिफेरल्स हम लोग इसमें कनेक्ट कर सकते हैं स्पीडी 100 टाइम फास्टर देन सीरियल पोर्ट यू कैन हैव स्पीड अप टू 12 mb बिट सेकेंड, ठीक है 12 mb बिट्स है वो तो आप लोग जैसे ट्वेल्व एम आपको जो दिख रहा होगा ये पुराने इसमें यूज होता था लेकिन अभी अगर हम लोग जनरली जो यूज़ कर सक करते वो हम लोग इनका यूज कर सकते ये वाली यू एस बी बस इसका ठीक है तो जो ये ब्लैक कलर की जो नॉर्मली हम लोग को दिखती है टू पॉइंट जीरो वाली होती है और जो ब्लू वाली होती है ये थ्री पॉइंट जीरो वाली होती है ओके तो ये हो गया आपका यू एस बी और जो आपको मैंने स्लाइड्स में जो आपको दिख रहा होगा कंटेंट आप लोग उसी को एज ए नोट्स आप लिख सकते हैं या फिर आपकी बुक में जैसा दिया है आप लोग एज इट इज उसको ऐसा लिख सकते हो ठीक है इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है ओके एक्सपेंशन बसेस के बारे में तो स्टॉप करते मिलते नेक्स्ट लेक्चर में टाइम